जी हाँ, पाकिस्तान ने कुछ ऐसा किया जिससे दुनिया में फिर से हलचल मच गई। दरअसल हाल ही में अजरबैजान ने पाकिस्तान से JF-17 ब्लॉक 3 फाइटर जेट्स खरीदे हैं और ये सौदा करीब $1.6 बिलियन का हुआ है। अजरबैजान ने हाल ही में पाकिस्तान से JF-17 ब्लॉक 3 लड़ाकू विमानों को खरीदा है। यह देश पाकिस्तान के बाद दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन गया है जिसने इस विमान को अपने शस्त्रागार में शामिल किया है। इससे पहले इराक ने भी इन विमानों को खरीदा था। और क्या पाकिस्तान का ये कदम भारत के लिए कोई बड़ा खतरा है? अजरबैजान के साथ हुई डील की अनुमानित लागत $1.6 बिलियन के आसपास बताई जा रही है, जिसमें विमान के साथ साथ हथियार और प्रशिक्षण भी शामिल है। पाकिस्तान से फाइटर जेट की डील करने जा रहा, जिसके बाद ये तय हो गया कि अजरबैजान पर संगत का असर हो ही गया। इस सौदे ने न केवल पाकिस्तान की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाया बल्कि इस कदम से अजरबैजान की शक्ति भी बढ़ी है। सामने क्रम, ये एक तस्वीर जो आपके सामने चल रही है, इसने बहुत सौ के दिलों पर भारी पत्थर रखा है, खासकर हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में। जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, जो वॉर मॉन्गर हैं, जैसे मेजर गोरवारिया हो, जनरल रिटायर्ड GD बख्शी समेत ऐसे बेशुमार ऐसे वॉर मॉन्गर हैं जो सिर्फ जंग और जदल की बातें करते हैं और जिनके मुंह पर जंग के बाद दूसरा नाम ये होता है कि पाकिस्तान तो मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो चुका है। ये तस्वीर है अजरबैजान के प्रेसिडेंट अलियाम अलीवीव की, जो के बैठे हुए हैं पाकिस्तानी मेड JF-17 C Thunder Block C तैयारे पर। ये तस्वीर है 25 सितंबर 2024 की, यानी आज से चंद रोज पहले की, और ये तस्वीर ली गई है जिसमें अजरबैजान के प्रेसिडेंट पाकिस्तानी मेड तैयारे में बैठे हुए हैं बाकू हैदर अलीवीव इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जब वहां पर अजरबैजान का डिफेंस एग्जीबिशन हो रहा था। और उस पर क्या पैगाम दिया अजरबैजान के प्रेसिडेंट ने, जिसने मजीद मिर्चें लगाई हमारे पड़ोसियों को, वो कहते हैं एक स्टेटमेंट में। ये आपके सामने आर्टिकल चल भी रहा है जो कि खुद अजरबैजान का न्यूज वेब पोर्टल है, जिसमें वो लिखते हैं अ स्टेटमेंट रिलीज्ड ऑन 25 सितंबर बाय अजरबैजानी प्रेसिडेंट इलियाम अलीवीव डिटेल्स हाउ ही वाज प्रेजेंटेड विद द एयरक्राफ्ट एट बाकू हैदर अलीवीव इंटरनेशनल एयरपोर्ट एज पार्ट ऑफ द रिसेंट अजरबैजान डिफेंस एग्जीबिशन शो। Azerbaijan's president has claimed that the Chengdu Pakistan Aeronautical Complex PAC JF-17 fighter is integrated into the country's air force, yani JF-17 Block 3 ke ye taiyare baqaida taur par air force mein integrated kar diye gaye hain, usme shamil kar diye gaye hain। Ab ye wo deal hai jiski pehle bhanak shayad hamare padosiyon ko nahi thi, ya thi bhi to is par zyada charcha nahi ki, lekin ab wo baqaida taur par is par ना सिर्फ अपनी गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं बल्कि इसे पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी करार दे रहे हैं। $1.6 बिलियन की ये डील हुई पाकिस्तान और अजरबैजान के दरमियान। अब बाकायदा तैयारों की एक बड़ी खेप अजरबैजान को मुहैया भी कर दी गई है। अब इसमें मजीद क्या डिटेल्स हैं, कितनी और मजीद तैयारे अजरबैजान को मुहैया किए जाएंगे, इसकी डिटेल्स अभी तक तो सामने नहीं आई, लेकिन एक बहुत बड़ी डील इसे करार दिया जा रहा है। $1.6 बिलियन एक ह्यूज अमाउंट है कि इतना ज्यादा एतमाद है दुनिया को अब पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम पर, पाकिस्तान के तैयारों पर। बांग्लादेश से भी एक बड़ी डील रिसेंटली हुई है जिसमें आर्टिलरी और अम्युनिशन की एक बड़ी तादाद उसे मुहैया की गई है, हालांकि वो पहले भारत से ये लिया करता था। अब बाकायदा तौर पर JF-17 के 4 ऑपरेटर्स हो चुके हैं, जिनमें पाकिस्तान, म्यांमार, नाइजेरिया और ये चौथा अजरबैजान है। यानी इन 4 ममालिक के पास अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के PF कामरा बेस से बनने वाले तैयारे मौजूद हैं और बाकायदा तौर पर इंटीग्रेटेड हो चुके हैं ममालिक में। सारे मामले पर हमारे पड़ोसी मुल्क का मीडिया क्या कुछ कह रहा है, कैसे तकलीफ है उन्हें, इस वीडियो में आपको वही सब कुछ दिखाते हैं। जी हाँ, पाकिस्तान ने कुछ ऐसा किया जिससे दुनिया में फिर से हलचल मच गई। दरअसल हाल ही में अजरबैजान ने पाकिस्तान से JF-17 Block 3 फाइटर जेट्स खरीदे हैं और ये सौदा करीब $1.6 बिलियन का हुआ है। इस सौदे ने न केवल पाकिस्तान की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाया बल्कि इस कदम से अजरबैजान की शक्ति भी बढ़ी है। अब क्या ये संकेत है कि पाकिस्तान और उसके सहयोगी भारत के खिलाफ एक और नई सैन्य रणनीति बना रहे, और क्या पाकिस्तान का ये कदम भारत के लिए कोई बड़ा खतरा है? चलिए इन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में जानते हैं। दरअसल अजरबैजान ने पाकिस्तान से JF-17 Block 3 फाइटर जेट खरीदे हैं, जो कि पाकिस्तान एरोनॉटिक्स कॉम्प्लेक्स और चीन की चेंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किए गए हैं। इससे पहले पाकिस्तान और इराक ने इस जेट को अपने बेड़े में शामिल किया था। अजरबैजान की इस डील ने क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को फिर से प्रभावित करने की संभावना पैदा कर दी है। JF-17 Block 3 एक बहुउपयोगी लड़ाकू विमान है। ये अत्याधुनिक एवियोनिक्स और AESA रडार जैसी सुविधाओं से लैस है, जो इसे हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने में सक्षम बनाता है। भारत के पैरों में गिरकर अजरबैजान ने पहले कहा, भारत हमें बर्बाद मत करो, और अब यही अजरबैजान भारत के पड़ोसी देश
पाकिस्तान से फाइटर जेट की डील करने जा रहा, जिसके बाद ये तय हो गया कि अजरबैजान पर संगत का असर हो ही गया। अब सवाल तो ये है कि अजरबैजान कभी कश्मीर पर बोलता है तो कभी भारत की डिफेंस डील पर, लेकिन क्यों? दरअसल जब आर्मेनिया के खिलाफ अजरबैजान को लड़ने के लिए तुर्की ने हथियार से लेकर दूसरे सैन्य उपकरण दिए, तो दूसरी ओर आर्मेनिया पहुंच गया भारत के पास और करने लगा एक के बाद एक डिफेंस डील। और फिर क्या था, भारत ने कर डाली आर्मेनिया की मदद। आर्मेनिया को भारत ने पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर दे डाला और इसी के बाद से अजरबैजान बौखला सा गया। ऐसे में अजरबैजान अब अपने सदाबहार दोस्त यानी पाकिस्तान के पास पहुंच गया और JF-17 खरीदने की तैयारी शुरू करने लगा। अजरबैजान का एक डेलीगेशन हाल ही में पाकिस्तान के दौरे पर गया और JF-17 लड़ाकू विमान का निरीक्षण करने लगा। अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसके अनुसार अजरबैजान के एक डेलीगेशन ने हाल ही में पाकिस्तान के रक्षा उत्पादन मंत्रालय यानी MODP का दौरा किया। इसमें शामिल थे पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा के प्रतिनिधि। अजरबैजानी डेलीगेशन की यात्रा का मेन टारगेट JF-17 Block 3 लड़ाकू विमान पर अजरबैजानी प्रतिनिधिमंडल को एक व्यापक जानकारी प्रदान करना था। इस खरीद से अजरबैजानी वायुसेना की रक्षा क्षमताओं में जबरदस्त इजाफा होने की उम्मीद है। अजरबैजान की वायुसेना में अभी 5 की संख्या में MiG-21, 10 MiG-29 और 11 सुखोई SU-25, इनमें से भी सिर्फ 50% विमान ही उड़ान भरने के लायक हैं। पूर्वी यूरोप और एशिया के मध्य बसे मुस्लिम बहुल अजरबैजान ने हाल ही में पाकिस्तान से JF-17 Block 3 लड़ाकू विमानों को खरीदा है। यह देश पाकिस्तान के बाद दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन गया है जिसने इस विमान को अपने शस्त्रागार में शामिल किया है। इससे पहले इराक ने भी इन विमानों को खरीदा था। अजरबैजान के साथ हुई इस डील की अनुमानित लागत $1.6 बिलियन के आसपास बताई जा रही है, जिसमें विमान के साथ साथ हथियार और प्रशिक्षण भी शामिल है। आपको बता दें, JF-17 Block 3 पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चीन की चेंगदू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया एक हल्का सिंगल इंजन वाला लड़ाकू विमान है। यह अत्याधुनिक एवियोनिक्स एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे AESA रडार और लंबी दूरी की मिसाइल क्षमताओं से सुसज्जित है। यह विमान हवा से हवा और हवा से भूमि हमलों के लिए डिजाइन किया गया है और मध्यम और निम्न ऊंचाई पर अपनी क्षमताओं के लिए भी जाना जाता है। इस विमान की विशेषताएं इसे एक बहुत उपयोगी लड़ाकू विमान बनाती है, जो न केवल रक्षा बलों की क्षमताओं को बढ़ाती है बल्कि आधुनिक युद्ध के विभिन्न परिदृश्यों में भी कारगर साबित होती है। हालांकि भारत को इस विमान से कोई खास खतरा नहीं है, क्योंकि उसके पास पहले से ही राफेल और सुखोई जैसे ताकतवर लड़ाकू विमान पहले से ही मौजूद है। अजरबैजान की वायुसेना में JF-17 Block 3 की तैनाती से सीधा खतरा भले ही भारत को न हो, लेकिन यह पाकिस्तान और उसके निकटवर्ती सहयोगी देशों की सैन्य क्षमताओं को मजबूत करता है। इसके अलावा यह भारत के बेहद करीबी देश आर्मेनिया के लिए भी खतरा बन सकता है। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच संबंध लंबे समय से तनावपूर्ण रहे हैं, जिसका मुख्य वजह नारगोनो काराबाग क्षेत्र को लेकर है। आपको बता दें, पाकिस्तान ने JF-17 Block 3 को अपनी वायुसेना में पहले ही शामिल कर लिया है और अब इसके मित्र देशों को इस विमान का निर्यात उसकी सैन्य शक्ति को और बढ़ाता है। अजरबैजान पाकिस्तान का सहयोगी है और इस कदम से पाकिस्तान को पश्चिमी एशिया और काकेशस क्षेत्र में सैन्य और कूटनीतिक लाभ मिल सकता है। सामने क्रम वीडियो अपने मुलाहिजा की इस बारे में अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको फौरी तौर पर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।